सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, वो क्या जाएगा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन आ मीडियम। कौन सा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट करना चाहते हो, उसमें कितनी स्पीड ऑफ लाइट है वो आपको यहाँ रखनी है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट हैपेंस इन अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन अ लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। लेट्स टेक लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, ठीक है। नाउ यू वॉन्ट टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ओके। सो नाउ व्हेन यू कैलकुलेट अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लाइट रे जो है वो क्या हो रही है, एक मीडियम से, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, उसको लिखते हैं वन म्यू टू, ठीक है। वन म्यू टू का क्या मतलब है, एक सेकेंड, आप एक डायग्राम बनाते हैं अपन। लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। सो दिस इज अवर मीडियम वन, दिस इज अवर मीडियम टू, ओके। नाउ इफ अ लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम, इफ अ लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस मीडियम वन टू दिस मीडियम टू, ठीक है। सो नाउ वी वॉन्ट टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। सो वी राइट वन म्यू टू, ठीक है। सो दिस वन म्यू टू इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट और ए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। सो दिस इज अ फॉर्मूला, ओके। दिस फॉर्मूला इज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। और लाइट रे कैसी है, लाइट रे एक मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से किस में आ रही है, सेकेंड मीडियम में आ रही है, ठीक है। नाउ यू स्टडीड इन क्लास नाइन दैट द वेलोसिटी इज इक्वल टू द एन लैम्डा, ओके। यू नो अ फॉर्मूला दैट फॉर्मूला इज वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो दिस फॉर्मूला वी स्टडीड इन क्लास नाइन्थ इन चैप्टर साउंड। सो वेयर वी इज अ वेलोसिटी, एन इज फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। सो व्हेन यू पुट फॉर वी वन, सो फॉर वी वन यू विल राइट एन वन लैम्डा वन। सो वी वन इज अ वेलोसिटी फॉर मीडियम वन, ठीक है, एंड वी टू इज वेलोसिटी इन मीडियम टू। सो वैन यू राइट फॉर मीडियम टू, वी टू इज इक्वल वी टू बिकम्स एन टू लैम्डा टू, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती। जब भी लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। सो व्हेन यू पुट दीज वैल्यूज एन वन लैम्डा वन डिवाइड बाय एन टू लैम्डा टू, जिसमें कि फ्रिक्वेंसी बराबर है, एन वन बराबर एन टू है, तो फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड यू विल गेट अ फॉर्मूला लैम्डा वन बाय लैम्डा टू, ठीक है। यू विल गेट अ फॉर्मूला लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। सो वी हैव अ डेरिवेशन इन विच वी विल प्रूफ डैट वन म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, ओके। सो द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बताएंगे आप, कैसे पता लगेगा, जब लाइट रे एक मीडियम से, मीडियम वन से मीडियम टू में जा रही है तो मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। अब स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसका फॉर्मूला वी इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, जो कि हमने नाइन्थ क्लास में करा हुआ है साउंड चैप्टर में। वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एन लैम्डा। तो एन वन लैम्डा वन वी वन के लिए, वी वन के लिए क्या जाएगा एन वन लैम्डा वन, और वी टू के लिए क्या जाएगा एन टू लैम्डा टू, ठीक है।
तो जो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो N1 से N2 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट अ फॉर्मूला λ1 बाय λ2, ऑल्सो इट इज़ इक्वल टू μ2 बाय μ1, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। तो आपको दिख ही रहा है कि यू कैन सी इन दिस फॉर्मूला दैट ऑन विच क्वांटिटीज आर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विल डिपेंड। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम मतलब जैसे मान लो जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, आपका डेंसर मीडियम है, उसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, जो डेंसिटी है वो हाई है, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, तो ऐसा जो मीडियम होगा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, हाई होगा, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम। दूसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। सो वी हैव अ फॉर्मूला दिस, सो इन दिस फॉर्मूला वी हैव λ1 बाय λ2। सो दिस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन वेवलेंथ, ओके। सो नेक्स्ट इज टेम्परेचर। सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। एंड एट लास्ट लास्ट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ओके। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। सो यू नीड टू रिमेंबर डेट वॉट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। कौन सा मीडियम जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो, जैसे ग्लास के लिए निकाल रहे हो तो ग्लास में कितनी वेलोसिटी होगी वो आएगी यहाँ पे, वाटर के लिए निकाल रहे हो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो वाटर में कितनी वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी लाइट की वो आएगी यहाँ पे, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यू फाइंड आउट लाइक व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम वन टू मीडियम टू। व्हेन अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वन म्यू टू, और ये क्या होता है वेलोसिटी हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ओके। इट इज इक्वल टू λ1 बाय λ2, इट इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। दिस विल बी प्रूव इन अ नेक्स्ट टॉपिक, ओके। एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ओके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। सो बाय दिस टॉपिक वी वुड नो हाउ व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम व्हाई द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हाई अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम व्हाई इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे होता है। सो लेट अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, लेट अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर। एयर क्या है हमारा, रेयर मीडियम है, किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में, तो ग्लास क्या है डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो हमने केस लिया है, देर इज अ सिचुएशन वेयर अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर विच इज़ अ रेयर मीडियम टू ग्लास विच इज़ अ डेंसर मीडियम, दे आर रेयरर एंड डेंसर विथ कंपेरिजन टू ईच अदर। लाइक एयर इज रेयरर एज कम्पेयर टू ग्लास एंड ग्लास इज डेंसर एज कम्पेयर टू द एयर, ओके। सो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मीडियम टू इज अवर ग्लास एंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन एयर। सो लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम एयर एंड गोज इन टू अ ग्लास, ओके। सो मीडियम वन इज, लेट्स ड्रॉ दिस, सो दिस इज एन इंटरफेस, सो दिस इज अवर मीडियम, दिस इज एयर, दिस इज अवर मीडियम वन, ओके। नेक्स्ट वी टेक ग्लास, दिस इज अवर मीडियम टू,
Okay, so this is an interface. Okay, and this is our medium one, which is air, and this is our medium two, which is glass. So light is coming from air and goes into a glass. Okay, so all like v1 is a velocity or a speed of light in air, v2 is a speed of light in glass. So if now if I want to write refractive index of medium 2, which is a glass, with respect to medium 1, which is air, agar ab main ye likhun ke refractive index of glass with respect to air, so I can write 1 mu 2. ये क्या 1 mu 2 क्या बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ठीक है, तो ये कैसे देंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और अ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ओके, सो मीडियम 1 इज अवर एयर एंड मीडियम 2 इज अवर ग्लास. तो लेट्स अज्यूम दैट स्पीड ऑफ लाइट और द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1 एंड फॉर मीडियम 2 इज v2. Now divide both v1 and v2 by c. So v1 by c and v2 by c, and it arrange it like c by v2 and c by v1. If you find any difficulty to arrange these like in this c by v2 and c by v1, you can ask me into a comment box. Okay, so now c by v2 and c by v1. So what is c by v1? C by V1 is mu1, okay, and C by V1 is our mu1, okay, and C by V2 is our mu2. So 1 mu 2, it means refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to mu2 by mu1. Okay, so we get this formula. So you need to remember this formula. एंड वी ऑल्सो सॉल्व दिस कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, 1 mu 2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, और ये साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कितना जाएगा, mu2 बाय mu1 और v1 बाय v2. वी कैन अरेंज दिस. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. वेन अ लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनादर मीडियम, फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, एंड mu1 इज अ this mu1 is a absolute refractive index of medium 1 and mu2 is a absolute refractive index of medium 2. Okay, so we can write that mu1 sin I is equal to mu2 sin r. Okay, mu1 sin I is equal to mu2 sin r. Now after deriving these formulas, let's take two cases. So there is our first case. So what is happening in this case, when a light ray traveling from rarer medium to denser medium, when a light ray is traveling from rarer medium to a denser medium, of rarer medium to denser medium, let's see this diagram. So let's see this diagram. So this is a rarer medium, this is a denser medium. So here our rarer medium is air and denser medium is glass. So this is medium 1, this is medium 1, this is medium 2. Okay, so we consider that, well, speed of light in medium 1 is v1 and speed of light in medium 2 is v2. Also the refractive index of medium 1 is mu1. Refractive index means absolute refractive index for medium 1 is mu1 for air, and refractive index, absolute refractive index for medium 2 like glass is mu2. Okay, so refer this diagram and let's see. Okay, so let's see. So v1 is a speed of light ray in medium 1. So medium 1 hamara jo kya hai, rarer medium hai. मीडियम 2 जो हमारा क्या है वो डेंसर मीडियम. तो अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज हाई एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम.
तो यहाँ पर जो हमारा वी वन होगा वो क्या होगा, वी टू से ज़्यादा होगा। वी वन जो है वो वी टू से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, वी वन अपॉन वी टू इज़ ग्रेटर देन वन। नाउ वी नो बाय द स्नेल्स लॉ ऑल्सो डैट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। सी हियर वी हैव अ रिलेशन बाय द स्नेल्स लॉ, दिस साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन एंड दिस इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। तो ये जो हमारा वी वन बाई वी टू है, इस वी वन बाई वी टू की जगह अपन क्या रख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन आई बाई साइन आर रख दिया हमने, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा कि साइन आई इज़ ग्रेटर देन साइन आर, और इससे क्या पता लगेगा हमें कि आई इज़ ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, डैट वेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज रिफ्रैक्टेड एंगल इज लेसर देन इंसिडेंट एंगल। यहाँ रिलेशन से आ रहा है हमारा ये सॉल्व होके कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो इंसिडेंट एंगल से क्या है, कम है, ठीक है। और ये आप इस यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो ये लाइट रे आ रही है इंसिडेंट रे आपकी, और इंसिडेंट रे जैसे इधर जा रही है तो आप देख रहे हो कि ये बेंड हो रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अभी हमने प्रूफ किया है, ये अभी सॉल्व करा है कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल से कम है। इस कारण जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये कहाँ हो जाएगी, बेंड टूवर्ड्स द बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सो ये हमारा दिस इज फर्स्ट केस। नाउ लेट्स टेक अनदर केस। सो अनदर केस इज व्हेन अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जैसे इसका अपोजिट लेते हैं, ठीक है। अब की बार क्या है, लाइट रे जो है वो कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। तो हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट जो हमारा डेंसर मीडियम है, वी कंसिडर डेंसर मीडियम एज मीडियम वन एंड रेयर मीडियम इज मीडियम टू। डेंसर मीडियम को तो हम ले लेते हैं मीडियम वन, और इसको ले लेते हैं रेयर मीडियम को हमारा मीडियम टू, ठीक है। तो वी वन क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, जो कि अब हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। एंड एंड वी टू क्या जाएगा, वी टू हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन मीडियम टू, मीडियम टू हमारा क्या है, रेयर मीडियम है। तो अब वी वन जो हो जाएगी हमारे पास, वी वन इज अ स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, और वी टू जो है हमारी हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, ठीक है। तो अब रेयर मीडियम की वेलोसिटी, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट रे है रेयर मीडियम में, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम में वो क्या होगी, कम होगी। तो वी वन इज लेसर देन वी टू, देन जस्ट सॉल्व इट, वी वन बाई वी टू इज लेस देन वन, सो डैट वी हैव अ रिलेशन, सो साइन आई बाई साइन आर इज लेस देन वन, सो साइन आई इज लेसर देन साइन आर, सो यू विल गेट आई इज लेसर देन आर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आई है इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल से कम होगा। चलो डायग्राम देखते हैं हम इसका, लेट्स सी अ डायग्राम, लेट्स सी अ डायग्राम हियर। दिस इज अवर डेंसर मीडियम ग्लास, दिस इज अवर रेयर मीडियम एयर। तो लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, अभी हमने सॉल्व करा है कि जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल तो कम होगा और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो ज़्यादा होगा। अब रिफ्रैक्टेड एंगल ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो लाइट रे होती है वो नॉर्मल से दूर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इससे कैलकुलेशन से क्या कंक्लूजन निकला कि व्हेन अ लाइट रे कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट गोज फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, लेट्स मूव टू अवर टॉपिक एंड टेक अनदर केस। सो नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट केस।
So this is a case in which what happens when refractive index of both the medium is same. अगर दोनों ही मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, ऐसे कोई दो मीडियम मिल जाए हमें जिनके कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखें, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स, इफ बेंडिंग डज नॉट हैपन देन रिफ्रैक्ट द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट हैपन्स। ठीक है, सो जब भी लाइट रे ट्रेवल करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसका बेंड होना जरूरी है, अगर वो बेंड होगी तभी हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन उसमें हो रहा है। चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम। सो इन दैट केस म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, ओके, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम देन म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, सो बाय दिस वी विल गेट वी वन इज इक्वल टू वी टू। सो व्हाट हैपेंस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the two medium is same, then speed of light will also be same in both the mediums. The speed of light will also be same in both the mediums, and because of this that value sin I is equal to sin r. So incident angle will be equal to refracted angle. जो incident angle होगा वो क्या होगा, refracted angle के बराबर होगा। So light ray will pass from one medium to another medium without डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा, यानी कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे जो होगी वो क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं हम कैसे होगा ये। लेट्स, दिस इज आवर इंटरफेस एंड this is a normal, okay, so what happens if the refractive index of both the mediums, that right, this is a medium one, and this is a medium two. So what happens when a light comes from medium one to medium two and the refractive index of these both the mediums is same, then light comes and will pass into another medium without any deviation. ठीक है, दिख रहा है आपको, ये light यहाँ से आएगी, ये point of incidence हो गया हमारा, this is a incident ray, now this incident ray incident on this point of incidence and it will goes undeviated. This angle we determine is our incident angle. सो दिस इंसिडेंट एंगल विल इक्वल टू बी दिस रिफ्रैक्टेड एंगल। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर इसको हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। तो इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टेड एंगल, सो रिफ्रैक्शन डज नॉट हैपन व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम विल बी सेम। ओके, नाउ लेट्स टेक द अनदर केस। So another case when light ray incident normally on interface. So this is a case whose diagram we have in a starting. So this is a diagram. So when a light ray coming, you can see this is a incident ray. So this incident ray is incidenting normally on this surface. So when this angle is I, so this is angle I is in angle between the normal and the incident ray. This angle is angle between the normal and the incident ray. Now if this ray is come normally, then this I will become zero. This I will become zero. So incident angle will become zero. Okay. So let's put this value. So when light ray incident normally, so when light ray incident normally, incident angle will become zero. So incident angle become zero, so sin I is equal to zero. So if you put the value of sin I here, sin I is equal to zero, okay, so you will get sin r is also, if sin I is equal to zero, you will get sin r is equal to also zero. ठीक है, so जो ray होगी वो क्या होगी, सीधे normal पर ही pass हो जाएगी, और ray will pass normally into the another medium, जो दूसरे medium, जैसे डायग्राम में we have a diagram this,
सो लाइट रे जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और नॉर्मली ही वो क्या होगी, दूसरे मीडियम में भी पास हो जाएगी. सो दीज आर द केसेस. होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द केसेस. सो लेट समराइज इट. व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम. ओके, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम व्हाट हैपन, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज रिफ्लेक्टेड एंगल इज लेसर देन द इंसिडेंट एंगल. ओके, नाउ लेट्स टेक अस नेक्स्ट केस. सो व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट केस, आवर सेकेंड केस. व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज रिफ्लेक्टेड एंगल इज बिगर देन द इंसिडेंट एंगल. ठीक है, तो डेंसर से रेयर में जब आएगी तो क्या होगी, उससे नॉर्मल से दूर चली जाएगी. ठीक है, जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, नेक्स्ट केस इज व्हेन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम इज सेम. तो अगर दोनों ही मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम होता है तो क्या होगा, लाइट रे विल पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विदाउट डेविएशन, कोई रिफ्रैक्शन उसका नहीं होगा. और लास्ट केस है व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इंटरफेस. तो नॉर्मली अगर इंसिडेंट होती है तो उसका इंसिडेंट एंगल क्या होगा, जीरो. और जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूले से रिफ्रेक्टेड एंगल जो है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो जो रे होगी जो पास होगी दूसरे मीडियम में वो क्या होगी, नॉर्मली ही पास होगी. ओके, सो ऑल दीज आर द केसेस. नाउ लेट सी व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रेक्शन. सो व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रेक्शन इज दैट when a light ray travels from one medium to another medium because of the optical density of the medium the speed of light will increase or decrease. Like if a light ray travels from air to a glass then its speed will decrease. If a light ray travels from glass to air then its speed will increase. Okay, so the refraction will happen because of the medium, because the speed of light will change from when it travels from one medium to another medium. Okay, and if the optical density of both the medium is different, and we can relate optical density with the refractive index. अगर कोई medium है उसका refractive index ज़्यादा है तो refractive index ज़्यादा है तो speed of light उसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अगर कोई ऐसा medium है जिसका refractive index कम है as compared to another medium तो उसमें जो speed of light है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. Okay, so the basic reason is that and basic cause of refraction is that. Hope you all will remember it. Now I will read this which is written in there in notes, that refraction is the deviation of light when it crosses the boundary between two different media and there is a change in both wavelength and speed of light. Okay, तो एक से जब दूसरे medium में जाएगा तो क्या क्या change होगी, उसकी speed और wavelength क्या नहीं change होगा. So frequency of the refracted ray remains unchanged. ओके, तो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज नहीं होगी. ओके,